अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल करम से आप सब खैर खरीत से होंगे। ये आज की वीडियो का टॉपिक है कि जॉब कैश पे करनी चाहिए या टैक्स पे। अब बिलाल से स्टार्ट करते हैं। बिलाल, आपकी क्या राय है, जॉब टैक्स पे करनी चाहिए या कैश पे? मेरी राय तो भाई यही है कि हमें टैक्स पे जॉब करनी चाहिए, क्योंकि टैक्स पे जो है बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी चीज़ करनी है, ठीक है, कोई भी चीज़ आप अप्रूव के लिए अप्रूव करवाते हो तो वो उस पर आपकी पे स्लिप देखी जाती है। तो कैचिंग एंड पे स्लिप बिल्कुल नहीं है, और ओनली पे स्लिप फॉर टैक्स जॉब। बाकी आपको ये उम्र बताएंगे। टैक्स पे ही जॉब करनी चाहिए, कैश इन एंड ना करें। टैक्स पे जॉब जो है वो सबसे पहले आपकी सिक्योरिटी है कि यानी जो भी है कि आपका आपकी जो सैलरी है वो सिक्योर है, और आपको एक प्रॉपर टाइम पे कंपनी जो है, जब भी आपका वर्क प्लेस है, वो ऑब्लाइज है आपको पैसे देने पे, चाहे वो वीकली हो या फोर्टनाइटली हो। कैश इन एंड पे ये है, या कैश पे ये है कि वो कभी भी आपको डिले भी कर सकते हैं, कभी आपको रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉपर आपके पास प्रूफ नहीं है। फिर बिलाल भाई ने पे स्लिप की बात की, तो पे स्लिप आपका प्रूफ है। उससे ये है कि अगर आपने घर लीज पे लेना है, आपको कोई और फैसिलिटी चाहिए, तो वो आप प्रॉपर अपने शो कर सकते हो कि ये मेरी इनकम है जो मेरे बैंक अकाउंट में आ रही है, और ये मेरा जो है वो टैक्स है। और इसके अलावा ये है कि जब आप टैक्स पे जॉब करते हो तो सुपर वाली बात जो की है कि सुपर एक किस्म की आपकी सेविंग हो रही है। अगर आप स्टूडेंट भी हो और उसके बाद आप कहते हो कि यार मैंने वापस जाना है 2 साल स्टडी करके, तो ये है कि 2 साल का सुपर आप अपने सेविंग अपने साथ बैक भी लेके जा सकते हो, कि वो कोई आपकी डिडक्शन नहीं होगा, रखेगा नहीं। फिर दूसरा, अगर आप कंपैरिजन करो, अगर आप फर्ज करो आपको 24 आवर्स वीकली वर्क अलाउड है, वो आप $35 पे या $30 पे कर रहे हो, तो आप उसका एक कैलकुलेशन करके दे सकते हो कि यार के कितने एट द एंड मेरे अकाउंट में आ रहे हैं। वही आप कैश इन एंड 20 या $22 पे जाओगे, तो वो आप जब उसका वेटेड इक्वलेंट करेंगे तो वो इतना ही बन जाएंगे कि जितना आप 24 घंटे काम करे कमा रहे हो, और वो प्रॉपर चैनल से आ रहे हैं, वही आप 50-60 घंटे करके आपको एट द एंड वो जो है वो पैसे मिलेंगे। तो आपका वर्क एफर्ट भी कम हो जाएगा, आपके पास ज़्यादा टाइम भी होगा अपनी स्टडीज़ के लिए और बाकी एक्टिविटीज़ के लिए भी। हैं जी मानुल्ला, आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इसमें आपको टैक्स पे जॉब करनी चाहिए, और प्रेफर यही करेंगे टैक्स पे जॉब करें, इसके बहुत फ़ायदे हैं। और टैक्स के जॉब करने का ये फ़ायदा है, इसका रेट अच्छा होता है। मेरे साथ कोई कुछ लड़के हैं, वो जॉब करते हैं वेयर हाउस में, तो वो टैक्स पे $50 भी ले रहे हैं टैक्स पे जॉब करने। वही जॉब आप कैश पे करेंगे तो आपको $15-20 मिलेंगे, और इससे अच्छा ये है कि आप टैक्स पे करें, आपको पेड ब्रेक्स मिलती हैं टैक्स पे, और सब कुछ प्रॉपर होता है। अगर आपको जॉब पे कोई चोट भी लग जाती है तो टैक्स पे जॉब का ये फ़ायदा है कि आपको सारे कवर करती है कंपनी, कवर करती है आपका जितने देर आप बेड रेस्ट पे जाते हैं, या आपको कोई चोट लगती है, कोई आपका हाथ चला जाता है, पाँव चला जाता है, कोई ज़ख्म हो जाता है, तो सारा आपको कवर करती है। और इससे अच्छा यही है कि आप रिस्क ना लें कैश के जॉब करने, क्योंकि ज़्यादा वर्क प्लेस ऐसी होती हैं जहाँ पे चोट लगने का खतरा होता है। तो अपनी लॉन्ग टर्म का सोचें, शॉर्ट टर्म का ना सोच कर कैश पे जॉब करें बस। सबसे पहले जी, आपकी लाइफ जिधर सिक्योर हो ना, वो जॉब करनी चाहिए, ठीक है। अब इजी ये है कि इजी मतलब कि आप देख लें कि जो टैक्स है ना, टैक्स वाली जॉब, वो ये है कि आपको कुछ भी काम पे कोई कुछ भी मतलब कोई एक्सीडेंट कोई कुछ भी हो तो वो सारा कुछ रिकवर करेगा आपके लिए। लेकिन कैश पे आप कुछ भी आप मतलब कोई 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 छोटा मोटा कोई भी एक्सीडेंट होता है तो वो मतलब कोई भी कवर अप नहीं करता उसको, वो आप अपने से सारा कुछ खुद करोगे, यही है बस। अगर ओवरऑल देखेंगे तो कैश की जॉब के कोई बेनिफिट नहीं है, सब टैक्स की जॉब के बेनिफिट्स हैं कि आपको सिक लीव, पब्लिक हॉलीडेज और एनुअल लीव सारी मिलेंगी। आप सबको अकोमोडेट करोगे तो टैक्स की जॉब आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी, आप हाफ आवर्स काम करके ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। अगर आप कैश पे जॉब करेंगे तो आपको मे बी 60 आवर्स 70 आवर्स करने पड़े एज कम्पेयर टू टैक्स की जॉब। टैक्स जॉब आप हाफ आवर करेंगे तो उतने ही पैसे बनेंगे। इंशाल्लाह जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।